आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से शिमला मिर्च कीमा बनाना सिखाऊंगी। ये झटपट से रेडी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आसान खाना सबको सिखाना। आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च कीमा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। एक पाव इधर मैंने शिमला मिर्च ली है, उसे मैंने अच्छी तरह धो के उसके बीज निकाल दिए और इसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया। एक पाव इधर मैंने कीमा लिया है। दो उधर बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, उसे रफली सा काट लिया। हाफ कप ऑयल। दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, उसे मोटा मोटा काट लिया। एक लहसुन की गड्डी ली है, उसे मैंने छील लिया। और एक इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे बारीक स्लाइस में ऐसे काट लिया। मसालों में एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून नमक, एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कीमे को गलाने के लिए इधर मैंने पानी लिया है एक गिलास। तो चलिए जी बनाते हैं इसे। कीमे को बनाने के लिए इधर मैंने कढ़ाई लिया है। सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, बिल्कुल पानी डालेंगे, प्याज डाल देंगे, लहसुन अदरक डाल देंगे, टमाटर ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे, कीमा डाल देंगे और कीमे को हम अच्छी तरह सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। आंच हमने मीडियम लो रखी है, इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे तब तक जब तक कि हमारा पानी भी खुशक हो जाए और कीमा भी गल जाए। पानी 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। मीडियम लो फ्लेम पर इसे हमने रखा था, बीच बीच में हमने एक दो बार चम्मच चलाया है और कीमा जो है हमारा गल गया है और जो हमने प्याज लहसुन डाला था वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। तो आपने चम्मच की मदद से इसे मैश कर देना लहसुन को और प्याज को। मैश करने के बाद इसमें हमने ऑयल डालना है और ऑयल डाल के आंच आपने मीडियम हाई कर देनी है और इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह। पाँच मिनट हो गया लगातार हम कीमे की भुनाई कर रहे हैं और ऑयल जो है अच्छी तरह बाहर निकल आया, कीमा हमारा जो है वो भुन गया है। तो अब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है और शिमला मिर्च डाल के भी इसे हम एक से दो मिनट के लिए भुनेंगे शिमला मिर्च के साथ। दो मिनट हमने शिमला मिर्च को भी कीमे के साथ अच्छी तरह इसे भूना है। तो अब आंच जो है हम बिल्कुल दम वाली कर देंगे और इसे कवर कर देंगे हल्की आंच पर। इसे हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे शिमला मिर्च को। पानी वगैरह आपने कुछ ऐड नहीं करना, बाद में मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। शिमला मिर्च को हमने डाल के दम पे रखा हुआ था और देखिए शिमला मिर्च हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हम थोड़ी तेज़ आंच करके एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा शिमला मिर्च जो है वो सॉफ्ट हो जाए तो अच्छी नहीं लगती, क्रंची क्रंची रहे तो वो उसका मज़ा आता है। तो इसे मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ एक दो मिनट के लिए तेज़ आंच करके। शिमला मिर्च हमारी बनकर रेडी है, चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नए आने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इंस्टाग्राम पर। कल मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।